ये अल्लाह ताला के मुख्तलिफ नाम हैं जिनको मैं एक जिगसॉ पज़ल की तरह लिखती थी और उनको पेंट करती थी, और हाउ दे इंटरकनेक्ट, और अल्लाह ताला के जितने एट्रीब्यूट्स हैं वो किस तरीके से हमारे साथ कनेक्ट करता है। अल्लाह ताला कहार है, जब्बार है, रहीम है, रहमान है, और उसके जो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं वो ह्यूमन साइकी, ह्यूमन कॉन्शियसनेस को किस तरीके से रिलेट करते हैं। यू कैन सी द कलर्स इन माई पेंटिंग्स आर वेरी कलरफुल। यूजली पीपल गिव मी अ कॉमेंट कि उफक योर पेंटिंग्स आर वेरी हैप्पी पेंटिंग्स, दे आर वेरी कलरफुल पेंटिंग्स, बट दे आर नॉट हैप्पी पेंटिंग्स एट ऑल। इंस्टेड इनफैक्ट दे आर वेरी इंटेंस पेंटिंग्स बिकॉज द स्टेट ऑफ माइंड आई एम इन वाइल वर्किंग इन दैम इज़ वेरी इंटेंस। और एक आपको वैसे आपसे बात शेयर करूँ कि इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू पेंट फॉर मोर देन 1 or 2 hours कंटिन्यूसली एट माई पेंटिंग बिकॉज द कलर्स आर सो इंटेंस, दे स्टार्ट गेटिंग टू यू एंड यू नीड टू गेट अवे फ्रॉम द कलर्स, क्योंकि कलर्स का आपकी जहन पे बहुत प्रोफाउंड इफेक्ट होता है। एक बीमारी होती है, पता नहीं लोगों को उसको पता है कि उसको कलर सिकनेस कहते हैं, कि अगर आपकी एनवायरनमेंट के रंग आपकी साइकी, आपकी नेचर के अगेंस्ट होते हैं तो उससे आप में थोड़ी सी उदासी, या आप लो फील करते हैं, या आप में एग्रेशन की फीलिंग्स आ सकती हैं। अगेन द इंटरप्ले ऑफ कलर्स एंड मार्क मेकिंग, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊं कि बिकॉज थ्रू माई पेंटिंग्स आई वॉज अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन साइकी ऑल्सो। ये जो जहनी मरीज़ होते हैं उन पेशेंट्स के जो रंगों, कमरों के रंग होते हैं यूजली बहुत पेल रखे जाते हैं, ज़्यादा इंटेंस कलर्स या ज़्यादा ग्रेश कलर्स ही रखे जाते, क्योंकि वो दीवार को मुसलसल तक रहे, अगर दीवार ज़्यादा खूबसूरत नहीं है तो दे टेंड टू गेट अग्रेसिव। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे आपकी 5 senses को जो चीज़ तकवियत देती है, जो चीज़ सूदन करती है, वो थेरेपी में चली जाती है। जैसे कलर्स कलर थेरेपी है, फिर खुशबू आपको बहुत सुकून देती है, उसमें अरोमा थेरेपी है, फिर म्यूज़िक थेरेपी है, फिर एक एको थेरेपी है, सिंपली गोइंग आउट इन नेचर। बाहर की कंट्रीज़ में एको थेरेपी अब बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है, उसमें हमारे लोग तो ये बात बताओ तो हंस पड़ते हैं, दे गो एंड हग ट्रीज़। ट्रीज़ के अंदर बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है बिकॉज़ वो आपके अंदर की नेगेटिव एनर्जी को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो बाहर की कंट्री में ट्री हगिंग हैज़ बिकम अ वेरी बिग फिनोमेना, वे दे जस्ट गो एंड हग ट्रीज़। और आप देखें कि ट्रीज़ का वैसे भी हमारे तसव्वुफ में और जितने भी रिलीजन्स हैं उसमें, स्पिरिचुअलिटी में, और वैसे एक बहुत बड़ा मकाम है। एक टेक्निक होती है अब्रू, उस टेक्निक के साथ आई वॉज प्लेइंग अराउंड, एंड द एप्पल का सिंबल बहुत इम्पॉर्टेंट था, बिब्लिकल सिंबल है एंड अ सिंबल ऑफ सेपरेशन है, एंड उस सिंबल को पेंट करने की कोशिश की थी। अगेन द टर्कोइज इज़ अ सिंबल ऑफ एक्सपेंशन ऑफ थॉट, सो कलर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन विच आई वॉज ट्राइंग टू डिपिक्ट माई फीलिंग्स। अगेन द वाओ, द सीक्रेट वोम, द सीक्रेट वोम फॉर मी इज़ द वोम ऑफ हज़रत मरियम, द ब्रेथ ऑफ द कंपैशनेट, एंड जीसस वॉज बॉर्न, एंड हज़रत ईसा की ज़ात मुझे बहुत फैसिनेट करती थी, एंड इट बिकेम अ वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ माई वर्क। और तसव्वुफ़ में भी उनकी बहुत बड़ी एक हैसियत है, वो एक बहुत, उनका एक सॉफ्ट नेचर्ड प्रॉफिट थे, और समहाउ विद द कैरेक्टर ऑफ लेडी मेरी, हज़रत मरियम और हज़रत ईसा से मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती थी। इधर यू कैन सी द कलर्स आर चेंजिंग कॉन्स्टेंटली, हेयर द कलर्स आर मोर सटल एंड द मोर सॉफ्ट कलर्स आई एम यूजिंग, एंड अगेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द वोम एंड वाओ का जो कॉन्सेप्ट था, वाओ मुझे कलेक्टिव अनकॉन्शियस का भी कॉन्सेप्ट लगता था बिकॉज़ एक बच्चे के अंदर एक और बच्चा होता है और उसके अंदर एक और बच्चा, और पूरी इंसानियत वाला जो कॉन्सेप्ट है, और एक ऐसी सोच है जो हम सबको मिलती है, जो जिसको हम कलेक्टिव अनकॉन्शियस कहते हैं, जो सारी इंसानियत की सोच होती है, जो हमारे जेनेटिक कोड डीएनए का हिस्सा होती है। सो फॉर मी वाओ बिकेम समथिंग लार्जर देन जस्ट अ सिंपल वाओ, इट बिकेम ह्यूमैनिटी का सिंबल बन गया, इंसानियत का, इंटेलेक्ट का। अगेन हेयर आई वॉज टॉकिंग अबाउट ड्रीम्स बिकॉज यू आर इंटरकनेक्टिंग विद डिफरेंट रेलम्स, एंड ड्रीम्स हैव अ वेरी इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द होली कुरान। हज़रत यूसुफ के ड्रीम्स थे
और उसके अलावा तसव्वुफ में इनका बहुत अहम मकाम है। तो इन सब चीज़ों को मैंने सिम्बॉलिकली थ्रू कलर्स, बिकॉज़ नाउ आई टॉक अबाउट हाउ एज एन आर्टिस्ट वी एक्सप्रेस आवर सेल्फ थ्रू कलर्स, इमेजरी, मार्क मेकिंग, सो नाउ थिंग्स मस्ट बी बिकमिंग ईजियर फॉर द ऑडियंस हु आर नॉट फेमिलियर विद द जॉनर ऑफ पेंटिंग, हाउ टू लुक एट अ पेंटिंग। दिस पेंटिंग इज़ अ वेरी पर्सनल इम्पोर्टेंस फॉर मी। ये मेरे बेटा जब पैदा हुआ था तो मेरी एक दोस्त ने मुझे छोटा सा ब्लू कलर का रॉ सिल्क का कुर्ता बना के दिया था उसकी फर्स्ट बर्थडे पे। एंड अगेन व्हेन यू टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिटी, हार्ट बीट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट तसव्वुफ में। और हार्ट बीट का जो मुझे सिम्बॉलिक मतलब समझ आया था कि वी आर बॉर्न एंड वी डाई विद ईच हार्ट बीट, आप जिंदा होते हैं आप मरते हैं, आप जिंदा होते हैं आप मरते हुए। तो हार्ट बीट जो है वो इंसान की एसेंस है, बेसिक्स है, एंड आई वॉज ट्राइंग टू जस्ट पेंट अ हार्ट। इधर अगेन द मार्क मेकिंग, आपने देखोगे कि लाइन्स है जैसे स्टिचेस लग रहे हैं, तो हेयर आई वॉज ट्राइंग टू इंटर कनेक्ट माई थाट प्रोसेस अबाउट स्पिरिचुअलिटी, अबाउट अंडरस्टैंडिंग लाइफ, एंड दिस मार्क मेकिंग, दिस लिटिल वर्ड्स, दीज लिटिल सिम्बल्स, दे वर जस्ट पर्सनल सिम्बल्स, जस्ट लिटिल स्टेटमेंट्स। आई डिड लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंटल वर्क एज एन आर्टिस्ट। एक्सपेरिमेंटल वर्क करने का ये फ़ायदा होता है कि आप मीडियम्स को समझते हैं। मीडियम्स जैसे मैंने कहा इंसानों की तरह होते हैं, हर मीडियम हर सर्फेस की एक पर्सनैलिटी होती है। तो वेन यू वर्किंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग विद मीडियम्स, तो आपका डर ख़त्म हो जाता है। सो समटाइम्स आई वुड जस्ट बर्न द एजेस ऑफ अ पेपर जस्ट टू सी वॉट काइंड ऑफ अफेक्ट्स इट प्रोड्यूसेस, कि किसी चीज़ पे आपका इख्तियार नहीं है और फिर एकदम उसको बुझा के किस तरह उस पे आपका इख्तियार हो जाता है। यूजली दीज पेंटिंग्स वुड टेक मी नियरली 3 to 4 months टू पेंट वन पेंटिंग। जैसे इस पेंटिंग का साइज रफली 2 feet by 2 feet है और बोर्ड के ऊपर हुई है, एंड ऑल दीज डॉट्स वो वेरी टाइम कंज्यूमिंग। सो एक थाट प्रोसेस आपका चल रहा होता है और उस प्रोसेस को आप शो कर रहे होते हो थ्रू योर वर्क। यहाँ अम्मा हवा, द लेडी एंड द एप्पल, उनका कॉन्सेप्ट था, और वही एप्पल सेप एलिमेंट ऑफ सेपरेशन, बिकॉज दे से इट वॉज बेसिकली द एप्पल द रीज़न वाई एडम एंड ईव हैड टू लीव द पैराडाइज। सो देन अगेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नूरे मोहम्मदी, के एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन रेस, एग्जिस्टेंस ऑफ द वर्ल्ड, इज एग्जिस्टेंस ऑफ द कॉस्मॉस, वी नो एवरी थिंग टू नूरे मोहम्मदी, एंड इट वॉज द फर्स्ट थिंग क्रिएटेड। बेसिकली दिस होल यूनिवर्स इज़ अ लव स्टोरी बिटवीन अल्लाह एंड नबी पाक, और उसी चीज़ को मैंने अपने काम में आगे एक्सप्लोर किया। कॉस्मिक हार्मनी, द एलिमेंट्स आर वेरी डिफरेंट। ऑल ऑफ दिस पेंटिंग आई वॉज डूइंग वॉज मोर ऑफ अ जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी थ्रू लाइन्स, थ्रू मार्क मेकिंग, थ्रू कलर्स, एंड यू कैन सी दैट एवरी पेंटिंग इज़ वेरी डिफरेंट एंड इन अ वेरी डिफरेंट स्टाइल फ्रॉम द प्रीवियस वन। सो इट वॉज ऑल लाइक अ जर्नी, एक्सप्लोरिंग मीडियम्स, एक्सप्लोरिंग सर्फेसेज। एंड ग्रीन कलर देन स्टार्टेड क्रीपिंग अप इन माई पेंटिंग्स, एंड द ग्रीन कलर फॉर मी वॉज अ सिम्बल ऑफ नूरे मोहम्मदी। एंड कलर्स के साथ बड़ा इंटरेस्टिंग आपका होता है कि जब आप एक कलर पेंट कर रहे होते हो तो आपको सुकून देता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आर पेंटिंग ऑन अ कैनवस, अगर आप आर्ट थेरेपी में इंटरेस्टेड हो, तो व्हाट हैपन्स इज़ कि जो आपकी नर्व्स हैं वो रिलैक्स करती हैं। कैनवस इज़ अ बाउंसी सर्फेस, सो व्हेन यू आर पेंटिंग अ सर्टन कलर, फॉर एग्जाम्पल इफ एनी वन ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन पेंटिंग ऑन योर ओन एंड डजंट नो हाउ टू पेंट, टेक योर फेवरेट कलर and start painting it on a canvas, not on a paper, not on a board, because board and paper are very hard. Canvas is a bouncy surface, it interacts with you. And the simple gesture of painting with a brush on a canvas gives a very therapeutic and a healing feeling. When I read Rumi, उनका कोई शेर मैंने पढ़ा जिसका कुछ इस तरह उन्होंने बात की थी कि जब मेराज हुआ था और नबी पाक अल्लाह के हजूर हाजिर हुए तो उनका कुछ पसीना गिरा था और उस पसीने से फ्रेग्रेंट रोज़ बन गया। सो
सो तब से मेरी पेंटिंग्स के अंदर नबी पाक का सिंबल दैट वाज द रोज़. सो आई वुड यूज़ रोज़ एज अ सिंबल ऑफ नबी पाक एंड अगेन वाउ द सिंबल ऑफ ह्यूमैनिटी. यहाँ वही मोहम्मद लिखा हुआ है और तितली के पर हैं. एंड आई वॉज दिस माई पेंटिंग्स आर मोर लाइक अ नात और हम्द आई वुड से. जैसे आप नात और हम्द में अल्फाज के थ्रू नबी पाक को या अल्लाह ताला को एक नजराना पेश करते हैं, तो ये जो पेंटिंग्स हैं इन पे मैं बात तो कर सकती हूँ, लेकिन द थिंग इज़ कि दीज वर इंटेंस फीलिंग्स ऑफ लव, एहतराम, लॉट्स ऑफ कंपैशन, लॉट ऑफ प्योरिटी ऑफ फीलिंग्स विच आई वॉज ट्राइंग टू डिपिक्ट इन माई वर्क फॉर अल्लाह एंड नबी पाक. और कभी कभार कुछ चीज़ों के बारे में आप ज़्यादा बात नहीं कर सकते, उनको आप एक एक्सप्रेशन के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हो. एंड दिस इज माई वे ऑफ एक्सप्रेसिंग माई फीलिंग्स फॉर बोथ ऑफ देम. अगेन द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स कि किस तरीके से एप्पल, फिर वही सिंबल आ गया कि एप्पल की वजह से फिर आपका डिसेंड हुआ टुवर्ड्स मदर अर्थ. एंड दीज वर द सिंबल्स आई हैव रेड इन स्पिरिचुअलिटी, आई हैड रेड इन द होली कुरान एंड आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू ब्रिंग देम टुगेदर to make an audience see my perspective of how I saw the universe, the creation process, and humanity. As my confusions about existence, humanity, spirituality was resolving, so did my work. Now the work you're going to see is more resolved. The line qualities have changed completely. There's no more that agitation, no more questioning. It was more of a sense of understanding and coming to terms about existence, reality, and that this is a certain new phase in my work, a new style of painting I started. I'm working with children. I've got 6 years old children coming up to me and I teach them painting, and I'm not teaching them simple making apples and bananas. I teach them Monet's and Van Gogh's. I try to make them copy their work. And the very interesting thing about Monet and Van Gogh is that impressionist painting jo hai usse bacche bahut relate karte hain, because unka kaam bahut chaya Van Gogh ka specially. Lekin agar aap Van Gogh ke kaam ko waise dekhte hain aur uski life ke bare mein padhte hain, to it was human agony jo uske strokes the. I wish I could show you painting here. उसके जो स्ट्रोक्स थे दे वर एग्नी एंड पेन ऑफ अ पर्सन हु वॉज गोइंग थ्रू मेंटल टर्मोइल. ही वॉज बाइपोलर डिसऑर्डर एंड ही किल्ड हिमसेल्फ व्हेन ही डाइड. ही किल्ड हिमसेल्फ. लेकिन उसकी स्टारी नाइट बहुत फेमस है. सो उसमें जो एक स्टेट ऑफ माइंड ऑफ प्योर एग्नी है दैट कैन बी शोन इन हिज वर्क. सो चाइल्डहुड मेमोरीज, ये एक चाइल्ड लाइक फीलिंग होती है और चाइल्ड आर्ट मैंने बहुत कराया हुआ है. और जो चाइल्ड आर्ट है उसमें एक सेंस ऑफ एक्सपेंशन है, एक सेंस ऑफ एक्सप्रेशन है. दे आर नॉट अफ्रेड, दे जस्ट अटैक द कैनवस. चाइल्डहुड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. और आपकी चाइल्डहुड मेमोरीज जो होती हैं वो आपको आपकी सारी उम्र आपके साथ देती हैं. देयर वाज सम मेमोरीज ऑफ different images, different marks as they were in my mind, I would just paint them. This was a panel I did for Fountain House. I did some volunteer work there और उनके लिए ये कोई 5 feet by 8 feet का पैनल था और उधर मैंने फाउंटेन हाउस में ये पैनल बना के दिया था. एंड इट वॉज माई वे ऑफ जस्ट हेल्पिंग दोज पीपल come to terms with their pain. Special लोगों के साथ काम करने का एक है कि they are very very pure hearted, they are very innocent, and उनके साथ अमूमन हमारी सोसाइटी में उनको साइडलाइन किया जाता है, लेकिन उनके अंदर जो प्योरिटी होती है दैट इज़ सो इंटेंस कि अगर आप स्पेशल लोगों को डरना छोड़ दें और उनकी कुर्ब हासिल कर लें जैसे थ्रू पेंटिंग और आर्ट थेरेपी, you see they are one of the most finest human beings you can come across. The trapped soul. Here I was trying to depict the soul in form of a bird,
एंड दुनिया मोमिन का कैद खाना है, उस चीज़ को डिपिक्ट करने की कोशिश की थी। वाओ अगेन द सिंबल ऑफ द बॉडी और द ह्यूमैनिटी एंड द कलर्स ऑफ द सोल। अगेन द सिंबल ऑफ बटरफ्लाई, द एवोल्यूशन ऑफ अ थॉट प्रोसेस इन डिफरेंट फॉर्म्स एंड कलर्स, जस्ट गोइंग इन टू अ ककून एंड देन कमिंग आउट ऑफ द ककून इन फॉर्म ऑफ अ बटरफ्लाई विद योर थॉट प्रोसेस चेंजिंग, एंड देन अगेन गोइंग इन टू अ ककून एंड देन कमिंग आउट अगेन, एंड दिस ककून प्रोसेस कंटिन्यूज फॉर योर एंटायर लाइफ। एनी थिंकिंग इंडिविजुअल बींग, एनी इंटेलेक्चुअल बींग, यू गो थ्रू दिस प्रोसेस अगेन एंड अगेन इन योर एंटायर लाइफ।